सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों बाद एक अबेंडेंट कार के बारे में आपको बताने वाला हूँ, और आपने थंबनेल ने देख ही लिया होगा कि वो जो कार है वो कौन सी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो कार है, ये जो शेवरलेट इम्पाला है, वो कहाँ पे खड़ी है, और मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा, सो दैट अगर आपको देखनी होगी या फिर अगर आपको इसे रीस्टोर करने का मन होगा तो मैं आगे चीज़ें भी बताऊंगा कि क्यों आप इसे चाहो तो रीस्टोर भी कर सकते हो। और इस कार की कंडीशन के बारे में अपन बात करेंगे कि अंदर से इसकी कंडीशन कैसी है और बाहर से कैसी है। ये कार मैंने नहीं देखी थी, मेरे एक फ्रेंड ने अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट की हुई थी, तो मैंने उससे पूछा कि ये जो कार है वो कहाँ पे खड़ी है। तो उसने बताया कि इस तरह की बहुत सारी कार वहाँ पे खड़ी हुई हैं। देन मैंने उससे बोला कि अगर तुम जाओगे तो अगली बार मुझे फ़ोटोज़ एंड वीडियोस सेंड करना। देन उसने लगभग 6 से 7 महीने पहले मुझे ये वीडियोज़ और फोटोज सेंड की थी। तो अभी मैंने रिसेंटली उससे पता किया कि क्या ये कार अभी भी वहाँ पे खड़ी है, तो उसने बताया कि अभी भी वो कार है, मतलब बहुत साल हो गए हैं तब से ये कार यहाँ पे खड़ी है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि इसके जो ओनर थे वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी डेथ हो चुकी है। और आप सब जानते हो कि शेवरलेट इम्पाला पहले कितनी फेमस है और अब और कितनी ज़्यादा फेमस हो गई है। जो सबसे पहले आपने इम्पाला देखी होगी तो अमिताभ बच्चन की जो डॉन मूवी थी उसमें ये जो कार थी वो यूज़ हुई थी। तो तब से ये जो कार है वो इंडिया में बहुत फेमस हो गई। और कंडीशन की बात करें तो अंदर की जो पार्ट्स हैं, अंदर का जो भी सीट वगैरह है, वो सब गायब हो चुकी हैं। और जो कंडीशन है वो बहुत खस्ता है, क्योंकि बहुत दिन से ये ओपन में खड़ी है, तो पानी वगैरह से डायरेक्ट एक्सपोजर के कारण बहुत सारा रस्ट लग गया है। जैसे कि आपने फोटो में भी देखा है कि फ्रंट की जो ग्रिल्स हैं और जो बोनट वगैरह है वो कैसे हो गए हैं। इंजन की बात करूं, मेरे को इंजन के स्पेसिफिकेशन नहीं पता है, वो अगर आप क्रोम में भी जाओगे देखना चाहते हो तो क्रोम में आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा। मैं वही चीज़ देख के बोलूंगा तो वो कोई मतलब नहीं है। मुझे कार स्पॉट करना पसंद है, मुझे ये सब कारें पसंद है, लेकिन मैं इनके बारे में ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं जानता हूं। और कार का जो इंजन है वो है, और अगर कोई जो सब्सक्राइबर है या फिर जो व्यूवर है अगर वो इंजन को देख के बता सके कि ये जो इंजन है उसमें क्या गड़बड़ी है या फिर सही है या गलत है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार, मैं ज़रूर से पढ़ूंगा। और इसके बाद अपन बात करते हैं तो ये जो कार है वो कहाँ पे है। तो अगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है गुंडी कला, वहाँ पे एक जगह है राजमहल, तो वहाँ एक महल है, उस जगह का नाम है ये राजमहल, तो वहाँ पे ये खड़ी है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो कार है वो रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है। सो इंदौर से अगर मालवा की जो डिस्टेंस है वो लगभग 123 किलोमीटर है, तो आपको पता चल गया कि ये कहाँ पे पार्क्ड है और ये जो कार है वो किसे बिलोंग करती है। तो मेरे दोस्त ने बताया कि ये जो कार है वो सिर्फ इकलौती ये बस नहीं है, बहुत सारी ऐसी विंटेज कार वहाँ पे खड़ी है। और उसके अलावा उसने बताया कि बेसमेंट में ये जो राजमहल मैंने आपको जगह बताई, उसके बेसमेंट में इस तरह की बहुत सारी जो विंटेज कार खड़ी हैं, क्योंकि लकड़ी का बेसमेंट बना हुआ है पूरा, तो बारिश के कारण वो जो लकड़ी है वो पूरी कार के ऊपर गिर गई है। तो एक तरीके से ये सारी जो कार वहाँ पे खड़ी हैं वो ख़राब ही हो रही हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक फ़ोटो में आपको दिखेगा कि ऊपर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है। तो इस कार का जो क्रेज है उसको देखते हुए, जिस कंडीशन में है ये, वो देख के बुरा लगता है कि एक इतनी अच्छी कार जिसे रिस्टोर किया जा सकता था वो इस तरह खड़ी है। और इसके अलावा अगर आप नॉर्मली विंटेज कार के शौकीन हो तो आप जानते होगी कि इंदौर के रऊ एरिया में भी एक शेवरलेट इम्पाला खड़ी है, जो कि आई गेस 4th जनरेशन है, और उसकी भी मैं कुछ फोटोज़ आपको दिखाता हूँ। तो जिसकी मैं अभी फ़ोटो दिखा रहा हूँ, जो रऊ के पास मैंने बताया आपको खड़ी है, वो तो सेल के लिए नहीं है। तो मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो कार है वो किसी सरदार जी की है और उनके जो गुरु हैं उनकी ये कार थी, तो उनके गुरु ने उनको ये गिफ्ट में दिया था, तो इसलिए वो सेल नहीं कर रहे हैं। सो आई होप ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा और उसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप विंटेज कार के शौकीन हो तो आप एक बार जाके कुछ बात कर सकते हो अगर आपका रिस्टोरेशन का मन है, क्योंकि अगर इसको रिस्टोर भी करना, इस कार की एक्चुअल कीमत से 3-4 गुना पैसा ज़्यादा लेगा, क्योंकि इन सबको रिस्टोर करने में ही ज़्यादा पैसे जाते हैं और मेहनत जाती है, क्योंकि आपको हर एक पार्ट इंपोर्ट कराना पड़ता है। इंडिया में ये सब पार्ट्स मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो इससे पहले भी मैंने कुछ एबेंडेंट जो कार्स थी उनके बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है, तो उनकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। ये सारी जो गाड़ियाँ मैं बता रहा हूँ वो इंदौर में ही खड़ी हैं, और मैंने इसके बाद भी कुछ और कार्स देखी थी जिनकी मैं अभी वीडियो पोस्ट करूंगा, तो वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।